फिरोजाबाद थाना क्षेत्र टूंडला के ठाकुर वीर सिंह कॉलेज में खड़ा हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 नवंबर का चुनाव उपचुनाव यहाँ होना तय है, जिसको लेकर भाजपा के हाईकमान इवन बतौर यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उनके साथ सभी सहयोगकर्ता व कार्यकर्ता प्रतिष्ठित मंत्री विधायक सभी लोगों ने अपनी ताकत लगा दी। ये चुनाव नाक और साख का चुनाव है और ये चुनाव जो उपचुनाव जो टूंडला का चुनाव है आने वाले 2022 के चुनाव को अच्छी बेहतरीन लीड देगा। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा बसपा का कार्य मात्र लोगों को लुभाने का हुआ है, जो हमने यहाँ पर जमीन स्तर पर कार्य किया है वो जनता को दिख रहा है, विकास के आधार पर हमको वोट मिलेगा। जो यहाँ के टूंडला के जो प्रत्याशी हैं प्रेमपाल धनगर, उनको भारी बहुमत से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजा। बल पर हम लोग गुंडों का जीना हराम करते हैं। गुंडा या तो जेल में होगा या फिर उनके राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलेगी, उनको सड़कों पर स्वच्छंद घूमने की छूट नहीं होगी। यही कारण है समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी राग लाप रहे हैं, जब इनका शासन था इस प्रकार की अराजकता थी और इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती है कि 9 माह से गैंग रेप में बंद हुए एक व्यक्ति के परिवार के सदस्य को ही टिकट दे करके ये माता और बहनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार की हरकतें की जाती हैं, प्रदेश को दंगा और अराजकता का अड्डा बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा हुआ है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं पिछले 3.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिसने दंगा करने का कुत्सित प्रयास किया तो उसके साथ किस प्रकार की कार्रवाई हुई है ये हर व्यक्ति जान रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है। चंद लोगों तक सीमित हो जाती थी, पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, सरकारी नौकरी हो, एक परिवार पूरे प्रदेश के अंदर झोला लेकर के निकलता था वो सुनी के ध्यान में, योग्य नौजवानों को अवसर नहीं मिल पाता था, न्यायालय को स्टे देना पड़ता था। और भाइयों बहनों अर्पित भी करते हैं, स्वाभाविक रूप से धन्य है आप सबके वे पूर्वज जिन्होंने इस नगरी को और इस जनपद को ग्लास के इस प्रकार के समृद्ध क्षेत्र के रूप में विकसित किया। कोरोना कालखंड के दौरान पूरी दुनिया और पूरा देश जब कोरोना से त्रस्त था, उस समय भी आपने अपनी इस कला को जीवित रखते हुए कार्य किया है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा जो किसान है, यहां का जो उद्यमी है, वह परिस्थिति